मॉर्निंग गाइस, आज हम ब्रेक सिस्टम के बारे में बता रहे हैं। मैं प्रमोद कुमार और मेरे साथी कल्याण जी हैं। ब्रेक सिस्टम, इसका आविष्कार, डिस्क ब्रेक का आविष्कार 1902 में एक रजिस्टर ने किया था, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। उन्होंने इस तकनीक का आविष्कार करके बहुत ही ऑटोमोबाइल टू व्हीलर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा आविष्कार किया। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि देख रहे हैं कैलिपर, इसमें पिस्टन होते हैं, ब्रेक पैड होता है, और इसमें इसको रनिंग के लिए जैसे हम ब्रेक लेते हैं तो मेरा जो किट पैड होता है, हैंडल के पास लगा होता है, उसमें जो फ्यूल होता है पैक के सहायता है इसके अंदर आता है, और ये हमारे डिस्क को उसको दबाता है ताकि हमारा ब्रेक रुक जाए। और इसको खोलने के लिए इसमें दो नट होते हैं, 12 नंबर के स्क्रू से खुलता है, और इसके अंदर जो पिस्टन होता है उसको खोलने के लिए 8 नंबर के एलेंक से खोलते हैं। इसमें जो आप देख रहे हैं जो हॉल है, इसमें एयर जाने के लिए बनाया हुआ है होता है, ताकि जब हम गाड़ी रनिंग करें डिस्क नचता है जो हीट, इससे हीट होने से रुक के एयर आता है तो हीट होने से रुकता है। और आगे कल्याण जी होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं कल्याण कुमार, मैं आपको ड्रम ब्रेक के बारे में बताना चाहता हूँ। ड्रम ब्रेक का शुरुआत बहुत पहले हो चुका था। ड्रम ब्रेक हालांकि इतना इमरजेंसी ब्रेक नहीं, लेकिन बहुत टिकाऊ बड़े का माना जाता है। ड्रम ब्रेक में आगे और पीछे वाले ब्रेक में होते हैं, दोनों में लगा सकते हैं। ड्रम ब्रेक में क्या क्या है पार्ट्स बता रहे हैं। ये स्प्रिंग है, डबल स्प्रिंग है, ब्रेक शू में लगा हुआ रहता है, इसको ब्रेक शू कहते हैं। और ये ब्रेक एडजस्टर इस पैरिंग होता है, बीच में होता वो इस पर बीच में पहिए पर कसा रहता है। ये ब्रेक शू खींच जाता है तो उसको स्लेज कागज से रगड़ के फिर से लगाने पर काम करने लगता है। इसको चिकना नहीं होना चाहिए और प्लस और खुला रहना चाहिए, तब ये ब्रेक काम करता है। बताना चाहूँगा जो ड्रम ब्रेक है इसका यूज बहुत ही कम होता है। अब ज़्यादातर गाड़ी में डिस्क ब्रेक का ही यूज होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी ब्रेक है और बहुत ही अच्छा है, एक्सीडेंट होने से ये रुकता है, इसलिए ज़्यादातर गाड़ी में डिस्क ब्रेक ही आते हैं। थैंक यू। ज़्यादातर गाड़ियों